A big hello to everyone. Alright guys, so this is Piku. ये मेरी magic में help करता है. Alright go. Guys, मेरे dad भी magician हैं और because of this profession आपको बहुत सारा travel करना पड़ता है. I still remember मेरे dad का एक tour था जो बहुत बड़ा था, करीब एक से डेढ़ साल तक का tour था. And because of that मैं और मेरी मम्मी shift हो गए थे अपनी नानी के घर. So guys, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी नानी से. My nani is very much into fitness. वो अपनी fitness का बहुत ध्यान रखती हैं. She is 81 and guys वो सुबह उठ के walk करती हैं, वो yoga करती हैं and she takes a good care of her nutrition also. So guys, एक दिन मैं और मेरी नानी बात कर रहे थे और मैंने नानी को अपने बोला कि नानी मेरे को ना मैथ से बहुत डर लगता है. तो मेरी नानी ने मुझे बोला मैं भी बहुत डरती थी मैथ्स में. तो शी सेड कि मैं मजाक में अपना पेपर चेक कर देती थी और मैं अपने आप को फुल मार्क्स देती थी. नानी ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपने अपना ही पेपर चेक कर दिया मजाक में और आपके मार्क्स अच्छे कैसे आ गए. तो उन्होंने मेरे को बहुत ही नो पप्पी आइज के साथ बताया, कृष्णा मुझे नहीं पता मैं क्या करती थी, बस मैं अपना मजाक में अपना पेपर चेक कर देती थी और पता नहीं कैसे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे. मैंने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया. मैंने कहा चलो ठीक है, मे बी वो एक लक हो, कोइंसिडेंस हो. तो मैं उसको भूल गया. एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था एंड मैं देख रहा था इंटरव्यू जिम कैरी का. उन्होंने बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का चेक बनाया और मैं उसको रोज देखता था एंड धीरे 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 जब मैं उसके लिए काम करता गया तो वो मुझे चेक मिल गया. तो गाइस, तब मैंने सोचा कि मेरी नानी ने भी मुझे ऐसा एक दिन बोला था कि मैं मजाक में अपना पेपर चेक करती थी एंड सो मुझे थोड़ा सा एक यू नो रिलेटिबिलिटी लगी कि मेरी नानी ने ऐसा बोला था एंड जिम कैरी जो बोल रहा है कि मैं ऐसे चेक को देखता था एंड वो मैंने फिर उसके बाद उसको फिजिकली पा लिया. मेरा उसी समय थोड़ा सा दिमाग चला और मैंने सोचा यार मैं मोटा हूँ तो चलिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मेरा वेट इतना है और मेरा सपना है कि मैं ये एक पर्टिकुलर शॉर्ट्स पहनूं. एंड गाइस, मैंने वो वीडियो बना दी. उस टाइम मेरा वेट था करीब 130 किलो और मेरी कमर थी करीब 52 इंचेस. और वो वीडियो बनाने के बाद गाइस मैंने शुरू कर दिया इमेजिनेशन. मैं रोज सुबह उठ के सोचता था कि मेरा वेट कम हो रहा है, मैं वो शॉर्ट्स पक्का पहनूंगा. लेकिन गाइस, मेरे साथ उसका बिल्कुल उल्टा हुआ. ये वीडियो बनाने के बाद मैंने करीब करीब 13 किलो अपना वजन और बढ़ा लिया और करीब 4 इंच मेरी कमर और बढ़ गई. तो जब मेरा लास्ट वेट जब मैंने चेक किया था वो था 143 केजी. तभी से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी और मेरी कमर थी करीब 56 इंच 56 इंचेस. And then I said it's a bad idea. Guys, मैं इस बारे में सोचता रहता था, मैं थोड़ी सी रिसर्च करता रहता था बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कोई ना कोई सच्चाई है इस बात में. अगर इतने बड़े बड़े लोग विजुअलाइजेशन की ताकत को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इस फिनोमिना में. अगर आप किसी भी बड़े से बड़े एथलीट का इंटरव्यू देखें, चाहे वो काई ग्रीन हो, चाहे वो आर्नोल्ड हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या जो भी फिटनेस से जुड़ा है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, आपको कहीं ना कहीं एक हिंट ज़रूर मिलेगा विजुलाइजेशन का कि हमें पहले से पता था थोड़ा सा कि हमें ये हासिल करना है, वो हमने हासिल कर लिया. अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, काई ग्रीन वो स्कल्प करते हैं, पेंटिंग करते हैं कि मुझे कैसी बॉडी चाहिए एंड ही स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड. तो एक बार उनको आइडिया मिल गया कि मुझे इस तरीके से अपनी बॉडी चाहिए एंड तब वो उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं. लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से इमेजिनेशन कर रहा हूँ, आई एम टोटली इंक्लाइंड, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा. एंड गाइज, जैसे ही मैंने प्रॉपर रिसर्च के साथ उसको ट्राई करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए. तो गाइज, कैसे आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को और अपना वेट लूज कर सकते हैं, ये है 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए. नंबर 1, सबसे पहले आप उस चीज के बारे में ड्रीम कीजिए. यू नो व्हाट इज योर ड्रीम, कि मुझे पतला होना है, कैसा पतला होना है, मुझे कैसा दिखना है. इट शुड बी प्रिसाइज. आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे ऐसे बस पतला होना है. नो, यू हैव टू बी प्रिसाइज. मुझे कैसे पतला होना है, किस तरीके का लगना है. ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक. नंबर 2, यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको एक प्रॉपर मैपिंग बनानी पड़ेगी कि मुझे वेट लूज कैसे करना है. मुझे क्या जिम से वेट लूज करना है, क्या मुझे रनिंग से वेट लूज करना है, क्या मुझे जॉगिंग से करना है, या इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ करना है. यू हैव टू बी प्रिसाइज. विजुलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, व्हाट आई बिलीव, यू नो इट्स ऑल माई थिंकिंग, इज प्रिसाइजनेस. आपको प्रॉपर एक प्रिसाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है. नंबर 3,
ये टिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, बिकॉज ये दो चीजें आप कर लेंगे इट्स क्वाइट ईजी, लेकिन नाउ यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी उसको हासिल करने के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि बस अब आपने ड्रीम कर लिया अब वो आपको चीज़ मिल ही जाएगी. इट्स टोटली नॉट लाइक दैट. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ड्रीम नहीं कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी. नो गाइज, डोंट टेक मी रॉन्ग, दोनों तरफ से आपको चीज़ मिलेगी. बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ चांस कि अगर आप विजुलाइजेशन करके उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करके वो चीज़ आप करेंगे तो वो चीज़ आपको जल्दी मिलेगी और बहुत ही हेल्दी वे में मिलेगी एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. गाइज, एवरी मॉर्निंग आप उठिए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए आपको कैसे अपना वेट लूज करना है एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट. पुश योर एनवेलप. अगर आप गलत तरीके से वेट लूज कर भी लेंगे तो यू कैनॉट सस्टेन इट. तो अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से वेट लूज करना है सो यू हैव टू टेक हार्ड स्टेप्स एंड यू हैव टू टेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल. गाइज, हार्डवर्क का कोई भी मुकाबला नहीं है. अगर आपके साथ टैलेंट भी खड़ा है और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो यू कैन एक्चुअली बीट द टैलेंट. एंड फॉर दिस आई वॉन्ट टू थैंक माई नानी जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, उन्होंने मेरे को बताया अबाउट दिस. गाइस, ये वही जगह है जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी अपनी. सो दैट्स द सेम केज एंड दैट्स द सेम बर्ड, दैट्स माई बर्ड पीकू. ही स्केयर्ड ऑफ कैमरा. दिस इज द सेम लोकेशन. सो दिस इज अ मिनी ट्रिब्यूट टू माई नानी. थैंक यू सो मच गाइज. आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं ही कर सकता हूँ, इफ़ इट्स ह्यूमनली पॉसिबल कोई भी कर सकता है. तो स्टार्ट विजुलाइजिंग, अपने बारे में सोचिए कि मुझे ऐसे वेट लूज करना है, मुझे प्रिसाइसली ये वाली बॉडी चाहिए एंड ट्रस्ट मी गाइज आप भी वो अचीव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, सी यू वेरी सून. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए नॉट अ फैट्सो पर. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप. थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर फैमिली. थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून. खुश रहो, स्वस्थ रहो. आज आप अपना ध्यान दोगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा. ऑलराइट.